वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फेंसेडिल डीएक्स सिरप के बारे में। फेंसेडिल डीएक्स सिरप की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज, डोज, बेनिफिट और साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आपको सूखी खांसी से जुड़ी कोई समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फेंसेडिल डीएक्स सिरप एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, जिसमें कॉम्बिनेशन है डेक्सट्रोमेथारफिन 10 mg एंड क्लोरोफेनरामिन 2 mg होता है, और इस सिरप को अवर्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए आप जान लेते हैं इस सिरप के उपयोग के बारे में। इस सिरप का उपयोग मुख्य रूप से सूखी खांसी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, और एलर्जी के लक्षण जैसे कि गले में खराश, नाक बहना, आंखों से पानी आना, छींक आना और गंभीर सूखी खांसी के इलाज के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। अगर आपको सूखी खांसी या इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट के बारे में। इस सिरप के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट नज़र आते हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त जैसी कुछ नॉर्मल समस्याएं नज़र आ सकती हैं। अगर आपको ये नॉर्मल समस्याएं नज़र आएँ या बढ़ जाएँ तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप की डोज के बारे में। इस सिरप की डोज वैसे तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, और एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसकी डोज 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी से यूज कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप को यूज करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लीवर या किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो आप इसे यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी इसे यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें, और एल लेते समय इस सिरप का यूज ना करें। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप की MRP के बारे में। इस सिरप की MRP है 100 ml सिरप आपको 105 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको फेंसेडिल डीएक्स सिरप की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।